अब वो एलियन इस धरती पर वापस आ गया थे। लड़की एलियन को बताती है कि एलियन के अगवा करने के बाद से उसके हाथ में काफी दर्द रहता है। वो एलियन लड़की के हाथ में एक यंत्र लगा देते हैं जिससे उसका हाथ दो भागों में बढ़ जाता है, जिसके बाद उसके हाथ से एक कैप्सूल बाहर आ जाती है। एलियन उसे बाहर निकाल कर लड़की के हाथ को वापस से जोड़ देते हैं। असल में वो कैप्सूल एक ट्रैकर था जिसकी मदद से एलियन उन लोगों के ऊपर नजर रख सकते थे। अब जैक और बाकी के सभी लोग एलियन से पूछते हैं कि वो इस पृथ्वी पर किस लिए आए थे। एलियन बताता है कि वो इंसानों के रहन सहन को देखना चाहते थे। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन लोगों को भगवान का एक विजन दिखाता है। एलियन बताता है कि हम इन्हीं पर जांच कर रहे हैं क्योंकि इंसान मानता है कि पूरे यूनिवर्स की रचना इन्हीं ने की है। अचानक से पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उस लड़की को गोली मार देती है। फिर वो सभी को बाहर आने की धमकी देने लगते हैं। एलियन जैक से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिसके बाद जैक वहां खड़े सभी पुलिस वालों को गायब कर देता है। फिर वो सभी उड़ंत अस्तरी में बैठकर कहीं दूर चले जाते हैं। इस बात को 6 महीने बीत चुके थे और अब हम जैक को देखते हैं। अब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख गया था और एलियन ने उस लड़की को दोबारा से जिंदा कर दिया था। अब वो दोनों एक सुनसान जगह पर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे।